कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि लगातार मेहनत करते रहते हैं तो वो एक दिन अपने सपनों को जरूर साकार कर देती है। कर्नाटक के ऑफ स्पिनर बॉलर कृष्णप्पा गौतम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वे लगातार घरेलू मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते रहे, पर उन्हें पहली बार आईपीएल 2017 में खरीदे जाने के बावजूद एक भी मैच खेलने को नहीं मिला था। पर वे थमे नहीं और अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण आईपीएल 2018 ऑक्शन में सपने से भी ज्यादा कीमत मिली। कृष्णप्पा गौतम का जन्म 20 अक्टूबर 1988 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे गौतम बचपन से क्रिकेट के प्रति अरुचि रखते थे। अक्टूबर 2008 में भारत में ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आई। उनको नेट बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया। उन दिनों वे हरभजन सिंह की तरह गेंदबाजी करते थे। ऑस्ट्रेलियन कोच उनसे काफी प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी ये कभी लाइफ टाइम में नहीं आए। कृष्णप्पा बचपन में फुटबॉल को पसंद करते थे। उन्हें स्कूल के कोच जय रंगनाथ ने क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इनके कैरियर में 7-8 साल का गैप रहा। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने फिटनेस और गेंदबाजी की ट्रेनिंग जारी रखी। वे कहते हैं कि अगर वे फिट प्रैक्टिस नहीं करते तो लगता है शायद कुछ छूट गया। यही सोच और प्रक्रिया उन्हें बड़े क्रिकेटर के साथ साथ कर्मठ मनुष्य बनाती है। मुख्य धारा में न खेलते हुए गौतम ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए स्थानीय क्लबों के साथ खेल को जारी रखा। उनका आईपीएल कैरियर। आईपीएल 2018 से पहले कृष्णप्पा को 2017 में मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उन्हें खेलने का एक भी मौका नहीं मिला। पर अक्टूबर 2017 में कृष्णप्पा ने रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए खेलते हुए असम के खिलाफ पहला शतक लगाया और गेंद से भी कमाल दिखाए, जिसका उन्हें आईपीएल 2018 के ऑक्शन में बहुत फायदा मिला। आईपीएल ऑक्शन में उनकी बेस्ट प्राइस मात्र 20 लाख थी, पर जब उन पर बोली स्टार्ट हुई तो सभी टीमें खरीदने के लिए कूद पड़ी। पर आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 6.2 करोड़ में खरीद सबको चौंका दिया। दोस्तों, इससे इंस्पिरेशन क्या मिलती है कि मेहनत से कोई भी इंसान अपनी इच्छित चीज प्राप्त कर सकता है। मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से ही गौतम ने सफलता पाई है। सौम्य और सहज गौतम ने जीवन से ज्यादा कुछ नहीं सीखा है। उनका मानना है जीवन जीना ही बहुत है। सीखने के लिए बुरे अनुभवों को याद करना पड़ता है और वे बुरे अनुभवों को उसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ से वे सर्जित होते हैं। गौतम ने धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।